नमस्कार मित्रों, योगाहार की जूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आप सब योगी आत्माओं को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है? ओके। आजकल आप सबको पता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा किया करते थे, फिर गणपति दादा आ गए। अब पितरों का समय है, कई लोग उसको मानते नहीं है। ऐसे तो कई लोग भी है कि भगवान को भी नहीं मानते हैं, भगवान जैसा कुछ नहीं है, ऐसा बोलने वाले भी मैंने काफी लोग देखे हैं। ये हर एक व्यक्ति की अपनी सोच का सवाल है, उनको क्या संस्कार मिले हैं अपनी मान्यताएं के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम जो मानते हैं वो तो बोलेंगे, आपको मानना न मानना वो आपका सब्जेक्ट है। हम यहाँ खान पीन की जो बातें बताते हैं तो हम जो बताते हैं वो हमारी सोच के हिसाब से बताते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भी नहीं है तो हमको सूट नहीं हो रहा है, आपकी बात अच्छी नहीं लग रही है, हमको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हर व्यक्ति अपना अपना अलग मत रखता है, लेकिन कई बातें ऐसी है जिसका हम प्रमाण नहीं दे सकते, उसका कोई एविडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि एविडेंस के लिए आपको खुद को मरना पड़े। ये जो श्राद्ध का समय चल रहा है, ऐसा माना जाता है कि ये जो समय है, ये 15 दिन का जो टाइम है, उसमें जो जिन लोगों ने अपने देह को यानी कि अपने शरीर को छोड़ दिया है और सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म दुनिया में है, यहाँ पृथ्वी पे जो है वो तो यहाँ रह के दूसरा जन्म लेने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, वो यही लोकल ही होते हैं, क्योंकि उसको चांस मिल जाए कहीं भी तो नया जन्म लेने के लिए कहीं भी जगह ढूंढ लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए थे, वासनाएं नहीं थी, संतृप्त अवस्था में जिए, तो जिन लोगों को अपने जीवन के लिए मोह नहीं था, अच्छे कर्म करके जीवन जिए थे और ये दुनिया की सारी मोह माया छोड़ के जिंदा रहे थे लास्ट टाइम पे, ऐसे लोग सूक्ष्म जो दुनिया है उसमें जाते हैं, लेकिन वो ये पृथ्वी पे नहीं होती है, यहाँ से दूर चंद्रलोक या आगे भी होती है, उसके 3-4 लेयर होते हैं अलग अलग। ये तो हमने जो लोग जो आध्यात्मिक लेवल के लोग हैं उन लोगों की बातें सुन के हम बता रहे हैं। आप स्वामी रामदेव को भी 5 साल या 10 साल पहले सुनते तो वो ऐसा ही बोलते हैं कि भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन स्वामी रामदेव भी अभी लास्ट टाइम अहमदाबाद में जब आए थे, विश्व उमिया फाउंडेशन में उनका जब प्रोग्राम था, तो उन्होंने खुद बोला और एक पत्रकार ने उनको ऐसा सवाल किया कि आप इतना सारा काम कैसे कर पाते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये मेरी बस की बात नहीं है, आप जो मेरे हाथ जो काम हो रहा है वो मैं खुद अपने हाथ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पुरखों, हमारे पूर्वजों, हमारे गुरु जो सूक्ष्म जीवदारी है वो हमको सपोर्ट करते हैं और उनके कारण ही ये सब हम काम कर सकते हैं। और ऐसे तो कई लोग ये धरती पे ऐसे दिव्य आत्माएं जन्म ले चुकी है और अपना जीवन लोग उपयोगी, लोगों को सही रास्ता बताने में पूरी जिंदगी खर्च करके गए हैं।
तो उन लोगों ने जो जो बातें बताई है, जो पुस्तकें लिखी है, उनके जो एक्सपीरियंस है, वो ऐसा बताते हैं कि हमारी जो नजर में सामने दिखने वाली जो दुनिया है, उससे कई बड़ी दुनिया जो हमको नहीं दिख रही है, इतनी बड़ी दुनिया ये ब्रह्मांड में अस्तित्व में है। तो जो लोग ये पृथ्वी लोक से आगे सूक्ष्म लोक में रहते हैं, उन लोगों को ये श्राद्ध के जो दिन है, 15 दिन, ये उस दिन में उन लोगों को वहीं से पृथ्वी लोक पे आने की छुट्टी मिलती है, यानी कि वो प्रवास पे आते हैं, यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, और यहाँ आके उनकी जो जहां भी जाने की इच्छा है, जैसे कि आपको दिवाली में वैकेशन मिलता है तो आप कहाँ जाते हैं, कोई आबू अंबाजी जाता है, कोई साउथ इंडिया जाता है, कोई कश्मीर जाएगा, कोई यूरोप जाएगा, कोई अलग अलग जगह दुबई घूमने जाएगा, कोई सिंगापुर जाएगा। तो हर व्यक्ति अपने मन के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से वैकेशन का सदुपयोग करते हैं। तो वो लोग भी, ये वैकेशन का टाइम है उन लोगों का, यहाँ आने का उन लोगों को मौका मिलता है। तो ये श्राद्ध के दिन हमको हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो परदादा, दादा परदादा, हमारे जो लोग अच्छा काम करके गए थे, अच्छा किया हो या न किया हो, लेकिन उन लोगों को याद करने का समय है। और वो लोग जब यहाँ आते हैं और आप जब उनको याद करते हैं, तो वो खुश होते हैं, और खुश होते हैं तो आपको काफी प्रकार की हेल्प करके जाते हैं। आपको शायद नवाई लगेगी कि मेरे फादर जो है, वो ऐसे जिन लोगों की मृत्यु आकस्मिक हुई होती है, तो ऐसे लोगों को जो सूक्ष्म शरीर में गए हैं लेकिन वो संतृप्त नहीं थे, यहाँ पृथ्वी लोक पे ही अटक गए थे, वो आगे की दुनिया में नहीं जा पा रहे थे, ऐसे कई हजारों लोगों को उन्होंने ये मोक्ष की जो विधि होती है वो करवा के, दूसरे जो पद्धति सर काम करने वाले जो होते हैं ब्राह्मण लोग, उन लोगों के साथ उनको करवा के ऐसे हजारों लोगों की उन्होंने आत्माओं का मोक्ष करवाया है। तो और उनका रिजल्ट भी लोगों को फिर बाद में, क्योंकि ये ऐसे लोगों की होती है, और उनमें आप जो जो लोग सुनने वाले हैं, इसमें शायद कोई ज्योतिष विद्या का जानकार होगा, तो उन सबको पता होता है कि आपके घर में जो व्यक्ति जन्म लेता है, या आपका खुद का जन्म हुआ, तो आपकी जो कुंडली कुंडली जो बनती है, ग्रहों की जो दशा, जिस टाइम आपका जन्म होता है, जिस बच्चे की कुंडली में काल सर्प होता है, उनके फैमिली में कोई ना कोई ऐसे आत्मा जो मोक्ष पे नहीं गई है, वो दिखाती है। ये जैसे हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ हमारे सेंटर पे कोई भी बीमार व्यक्ति आता है, तो हम उनको सीधा हिसाब बोल देते हैं कि भी तुम खाने में जल्दी खाते हो, इसीलिए बीमार हो। तो जो बीमार है उसको ये बात जब हम बताते हैं, तो वो सीधा स्वीकार ही कर लेते हैं, नहीं आपकी बात सही है, मैं जल्दी खाता हूँ। तो ये फिक्स है। तो जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता है, उन लोगों के फैमिली में, फिर चाहे उनके फादर के फैमिली में हो, चाहे उनके मदर के फैमिली में हो, कहीं ना कहीं उनके नजदीकी रिलेटिव की जो मृत्यु हुई है, उनमें से किसी न किसी व्यक्ति का मोक्ष नहीं हुआ है, वो शो करता है, वो दिखाता है। और हमारे ये जो शास्त्र है, वेद पुराण, ये सब में ये जो विधि विधान बताए हैं, हमारे हिंदू संस्कृति में ही ये सारी बातें बताई गई है। आप दूसरे दूसरे धर्म में देखोगे ना, तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के अंदर भी ये बातें सच है, उसके काफी एविडेंस है।
परमहंस योगानंद की आप पुस्तक पढ़ोगे तो परमहंस योगानंद की ये जो पुस्तक है वो हर योग टीचर को और हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। ये काफी बड़ी पुस्तक है, मैंने भी वो पूरी पढ़ी हुई है। तो परमहंस योगानंद जो थे उन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण करके ऐसे चमत्कारिक बनाव जहां जहां हुए थे उनके जो साक्षी रहे हैं ऐसे जिंदा लोगों का उन्होंने मुलाकात किया था और उनकी बातें उन्होंने नोट करके वो पूरी पुस्तक में बताई हुई। और आपको भी पता होगा कि भी अमेरिका जैसा अमेरिका जो बिल्डिंग में अमेरिके के प्रेसिडेंट रहते हैं जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करते हैं वो प्रेसिडेंट हाउस में भी कैनेडी की आत्मा के काफी कई बार एविडेंस मिल चुके हैं और ये गलत नहीं है। तो ये जो समय है मैं आज इसीलिए ये आज आपको बात बता रहा हूं कि हम श्रावण मास होता है तो भगवान शिव को पूजते हैं, फिर गणपति को भी पूजन कर लिया, अभी ये श्राद्ध का समय आया है तो श्राद्ध भी जो व्यक्ति जन्म ले चुके हैं उन लोगों के लिए है, ये धरती पे जो अवतार लेके आए थे उन लोगों की ये प्रसंग है। तो उसको भी आप अच्छी तरह मनाओ, उसकी जो विधि विधान है उसको भी करो, आप उन लोगों को याद करो और जिनके घर में ऐसी आत्माएं आसपास में रहते हैं, या तो कई बार ऐसा होता है कि आपने जहां मकान लिया है, आपका जहां बिजनेस चल रहा है, आपकी जहां ऑफिस है, जहां फैक्ट्री है आपकी, वो इलाके में भी सालों पहले 50-100 साल 200 साल पहले जो व्यक्ति का मालिक था वो किसी कारण से उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है या कुछ भी हुआ है और उसकी आत्मा संतृप्त नहीं हुई थी, तो वो भी वो इलाके पे रहते हैं और वो जहाँ वो काम कर धंधा करने वाले फैक्ट्री वाले ऑफिस वाले उन लोगों को वहाँ फीलिंग भी अच्छी नहीं आती है। आप खुद ऐसा चेक कर सकते हो क्योंकि आप जब इसको ध्यान में रख के आप घूमोगे, आप किसी के मकान में जाए कोई भी इलाके पे जाके खड़े रहिए और आपको ऐसा लगे कि भी यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो आपको समझ लेने का कि वो जो जगह है वो अच्छी नहीं है, वहां कोई ऐसी आत्मा का वास है जो यहाँ आपको अच्छा फीलिंग नहीं आने दे रहा है, वहां कोई फिर वास्तुशास्त्र के कोई नियम लागू नहीं होते। हाँ, कई जगह ऐसी होती है किसी के आप मकान में जाते हैं और जाते ही आपको ऐसा लगता है अरे बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है, आपको वहां बैठने में आनंद आए और आप लंबे टाइम बैठे रहो और आपको मजा आता रहे, तो वो ऐसी पवित्र जगह होती है। तो आप जहां भी रहते हो, आप जहां भी काम धंधा करते हो, आपका इलाका, आपका दुकान धंधा जहां भी है, तो वहां ऐसा आपको फीलिंग आता हो तो आपको पहला काम ये करना चाहिए कि हर रोज वहां भगवान की दीवा बत्ती आप करते हो, भगवान को तो पूछते हो, साथ साथ में आपको वो जो जगह के मालिक थे पहले के आपसे पहले वाले और ऐसी कोई असंतृप्त आत्मा है तो उनको भी याद कीजिए। उनका नाम पता तो आपको पता नहीं है लेकिन आप उसको याद कीजिए कि आप ऐसे यहाँ कोई भी है तो आप मोक्ष प्राप्त करो, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हर रोज। आप उसको ऐसी सिर्फ आपको प्रार्थना करनी है और मैंने ऐसी कई बातें सुनी है कि सिर्फ ऐसी प्रार्थना करने से वो जगह का प्रताप बदल जाता है, वो जगह जो आपको पहले अच्छे नहीं लगती थी वो फिर आपको आपको अच्छी लगने लगती है, फिर वहां आपको कोई गलत आपके जीवन में कोई गलत इंसिडेंट्स नहीं बनते हैं, ऐसा होता है। और सबसे बढ़िया तरीका एक है कि वो जगह पे आप यज्ञ करना रखिए, यज्ञ करते रहिए। यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है कि वहां जब आप शास्त्रोक्त मंत्रोच्चार के साथ आप यज्ञ करते हो और आहुति देते हो घी की और औषधियों की, तो वो जगह के आसपास में ऐसी जो
आत्माएं हैं जो सूक्ष्म शरीर में रहती है, उन लोगों का मोक्ष हो जाता है। तो आप इनडायरेक्टली भी ऐसे लोगों को आप हेल्प कीजिए। और हमारा देश तो दुनिया में सब जगह अकेला ही हमारी संस्कृति है कि खराब परिस्थिति में चाहे सामने वाला दुश्मन भी क्यों ना हो, फिर भी हमारे अंतरात्मा ऐसा बोलता है कि हमें उनको खराब परिस्थिति में मदद करनी चाहिए। आपने अभी अभी थोड़े समय पहले देखा होगा, चार छह महीने पहले, कि श्रीलंका की हालत इतनी आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी कि हमारी देश की सरकार ने उनको काफी हेल्प किया और उनके राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि भारत ने हमको हेल्प नहीं की होती तो हमारी क्या हालत होती, वो हम सोच नहीं सकते हैं। भले उन लोगों का धर्म अलग है, उनका देश अलग है, कई बार वो लोग चीन के साथ बैठ जाते थे और हमको सपोर्ट नहीं करते थे, ऐसे मौके में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उनको हेल्प कर रहे। ये कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे देखो देशों को वैक्सीन यहाँ से सप्लाई की थी, क्योंकि वैक्सीन की कीमत जो डेवलप कंट्री थी वो इतने पैसे खींच लेते थे, इतने पैसे महंगी वैक्सीन देते थे कि वो उनको पोसाता ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए हमारे देश में से यहाँ से वैक्सीन सरकार ने हेल्प करके दी थी। अभी थोड़े दिन पहले ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भी ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारा सबसे कोई अच्छा पड़ोसी है तो वो है भारत, और भारत की वजह से हमारी आर्थिक और सामाजिक संतुलन टकी हुई है। भले पूरा देश मुस्लिम कम्युनिटी है, फिर भी वो प्रधानमंत्री खुद जाहिर में ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। तो हमको क्या करना है, हम जहां भी रहते हैं वहां भले कोई जिंदा कोई प्राणी पशु पक्षी रहता हो, उनको तो हेल्प करनी ही है, लेकिन ऐसे लोगों की भी हेल्प करनी है जो आपको नजर में दिख नहीं रहे, ऐसे लोगों के लिए भी आपको कुछ काम करना चाहिए। और दूसरा, ये धरती पे आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे कि वो लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए जीते नहीं है, वो लोग दूसरों के लिए ही जीते हैं और पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा के लिए ही पूरी खत्म कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आप जब मिलोगे ना तो वो एक ही बात बोलेंगे कि मेरे ऊपर वाले के चारों हाथ है, इसीलिए मैं कर पाया हूँ, नहीं तो मेरे अकेले की इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऐसा काम कर सकूं। ऐसे जिन लोगों ने ऐसे अच्छे काम किए हैं, जो सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे। और उन लोगों का एक ही स्टेटमेंट होता है कि मेरी ताकत ही नहीं है, लेकिन मेरे कोई ना कोई शक्ति मुझे ताकत देती रहती है, इसके कारण मैं सब करता रहता हूँ। आप गायत्री परिवार के जो स्थापक थे श्रीराम शर्मा, जो उनके उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है, वो पुस्तकें इतने अगणित लिखे है कि आपको ये पुस्तकें पढ़ने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। वो सारे पुस्तक आपको पढ़ने हो ना तो भी आपकी जिंदगी कम पड़े, इतने पुस्तक उन्होंने लिखे है। तो उन्होंने उनकी एक बुक है, आपको मिल जाए तो पढ़ लेना, मारो व्हील अने वारसो, गुजराती में एनु टाइटल छे मारो व्हील अने मारो वारसो। आ पुस्तक तमे वांचजो। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने जो काम किया है वो मेरी सभान अवस्था में नहीं हुआ है, मैं जो काम करता था उस टाइम में मेरा जो कंट्रोल था वो ऊपर वाला मेरा कंट्रोल रखता था और उनके ही दूरी संचार से सब मैं करता था। और इतने सारे पुस्तक जो लिखे थे, तो उसमें वो पुस्तक लिखने के बाद उसको श्रीराम शर्मा को वो क्या लिखा है वो पता नहीं था, मैंने इसमें क्या लिखा है मुझे पता नहीं था, लेकिन वो लिख दिया था। और वो लिखने वाली कोई ऐसी आत्मा या ऐसी शक्ति थी जो उनके हाथ लिखवाती थी, उनके रियल एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किए हुए हैं। उन्होंने जब अपना ये गायत्री का काम शुरू किया तो उन्होंने अपने
अपने पास जो भी मुड़ी या मिलकत थी, जो थोड़े जर्जरा थे, वो बेच के उन्होंने किराए पे मकान रखा था। और ये मकान ऐसा उन्होंने ढूंढा था कि वो सस्ता था, बड़ा मकान था और सस्ता था। तो सस्ता इसीलिए मिला था क्योंकि वो मकान को सारे लोग भुतिया बोलते थे। वो भुतिया, उसमें कोई रहने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा सस्ता मकान उन्होंने, क्योंकि उनके पास पैसे की सगवड़ ही नहीं थी, तो उन्होंने ऐसा भुतिया मकान उन्होंने किराए पे रखा। और वो अपनी पत्नी और वो दोनों साथ में रह के वहां से उन्होंने गायत्री का काम शुरुआत की थी। तो वहां जब रहने गए तो उनको ऊपर के मंजिले पे कोई प्रेतात्माओं की आवाज, चलने की आवाज, रुदन की आवाज, अट्टहास्य, जो आपको डराने वाला हास्य, ऐसी ऐसी उनको अनुभव होने लगे। तो एक दिन वो दो चार दिन ऐसा हुआ तो फिर वो खुद ऊपर चले गए और वहां जाके सब लोगों को हाथ जोड़ के बोले, और नजर में तो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उन सब लोगों को बोला कि मैं यहाँ अच्छे काम के लिए आया हूँ। आपकी जो जगह है वहां अपने शांति से रहिए, मैं मेरी जगह पे शांति से रहूंगा, मैं नीचे रहूंगा, मैं ऊपर आपको हैरान करने के लिए कभी नहीं आऊंगा, और आपके लिए मैं कहीं विकट कर्म नहीं करूंगा। आप मुझे काम करने दीजिए, आप आपके हिसाब से आपकी जिंदगी जिए। ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। फिर उसी दिन से उनको ये समस्याएं खत्म हो गई थी। फिर वो काफी सालों तक वही मकान में रहे और गायत्री परिवार का उसका प्रचार प्रसार का काम कर पाए हो। फिर वो हिमालय यात्रा भी 3 बार करके आए। अब उनकी हिमालय की यात्रा की बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, उसमें सब मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उसका जो शॉर्ट विवरण है वो अद्भुत है। वो मैंने जो बुक का नाम बताया आपको, मारो व्हील अने वारसो, ये बुक गायत्री, कहीं भी गायत्री का मंदिर है तो आपको वहां से पुस्तक मिल जाएगा। एक बार उसको जरूर पढ़िए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो जीवन है ना, उनका जीवन जैसे जैसे उनकी जीवन की लाइन दूरी सूक्ष्म जीवन वाल में रहने वाले भगवान की ओर से मिलती है, ऐसा आपको भी कहीं ना कहीं फीलिंग आना चालू हो जाएगा। आपके जीवन में ही ऐसी कई घटनाएं आपको याद आएगी जहां ऐसे किसी किसी अदृश्य व्यक्ति ने आपको हेल्प की होगी। आपको पता चलने लगेगा, जैसे जैसे वो पुस्तक पढ़ते जाओगे ना, तो आपको याद आने लगेगा कि मेरे जीवन में भी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। फिर आपको उनकी बातों पे विश्वास आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको अंधश्रद्धा के लिए कोई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो वास्तविक है वो हमको स्वीकार करना चाहिए। हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, और हमारे हिंदुओं में ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, क्रिश्चियन में भी ऐसे चमत्कारिक लोग हो चुके हैं। आप बौद्ध में भी आप देखोगे तो जो लामाज जो होते हैं, जो लद्दाख में रहते हैं, तो वहां उन लोगों की जो योग की जो ताकतें होती है वो अद्भुत होती है। एक एक भाई का अनुभव, एक्सपीरियंस ऐसा आया था कि वहां के जो लामा होते हैं वो ध्यान में इतने पारंगत होते हैं कि वो हवा में ऊंचे वो उठ सकते हैं। और उनके वहां तो वहां लद्दाख में तो क्या है, साल में पूरे पूरे ज्यादातर दिन तो बर्फबारी ही रहती है, ठंडी ही रहती है। तो वो लोग इतना तप ऐसा करते हैं और उनमें इतनी ताकत पैदा कर लिए होती है योग क्रिया करके, कि वो अपने बॉडी को इतना गर्म कर सकते हैं कि आप उनके शरीर के ऊपर रोटी पका लो, उतनी गर्मी अपने बॉडी में पैदा कर सकते हैं। और वो ऐसे रियल एक्सपीरियंस लोगों ने बताए हुए हैं कि ऐसे लामाएं होते हैं जो अपने इतनी कड़कड़ती ठंडी में अपने शरीर को इतना मन की ताकत से गर्म कर सकते हैं कि उनके ऊपर आप रोटी पका लीजिए, इतनी गर्म कर सकते हो। तो ऐसे चमत्कारिक बातें जो है उसको तो मानना ही पड़े। आप यहाँ गुजरात की भी मैं बात करूँ आपको, तो आपको
अम्बा जी में चुंदली वाले माता जी रहते थे। वो हमारे गांव के पास वाले गांव के ही थे, मानसा तालुका के चराड़ा गांव है, उनके नेटिव थे। हमारा गांव उसके पास रिद्रोल बिल्कुल बगल वाला ही गांव है, हमारे गांव के पास वाले गांव के ही थे। वो जब छोटे थे 12 साल के या 12 या 15 साल की उम्र से, तब से उनको माता जी ने स्वप्न में आके ऐसी बात की कि तुम्हारा जन्म तो लोक सेवा के लिए, लोगों के लिए ही है। तो उस टाइम उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे पेट के लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना, खाने का तो इंतजाम करना पड़ेगा, मुझे कुछ काम धंधा तो करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं कैसे कर पाऊंगा लोक सेवा। तो उस टाइम माता जी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमको जो काम करना है उसके लिए आज से तुमको नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे आशीर्वाद उनके सर पे रख के माता जी ने दिए, और उसी दिन से वो जिंदा रहे, करीब 92 या 93 साल तक जिए। वो 15 साल से लेके 93 या 95, यानी कि 80 साल तक वो जिए। लेकिन 80 साल तक उन्होंने एक पानी का ग्लास भी पानी नहीं पिया था, और भोजन तो किया ही नहीं था। बिना भोजन बिना पानी वो जिंदा रहे, और जब तक वो जिंदा रहे तब तक लोगों को आस्था का केंद्र बना के रहे, लोगों को ये बताते रहे कि भी ईश्वरीय शक्ति है, उसको भूल मत जाइए, उसकी भी ताकत है, उसको याद करो, उसका भजन कीर्तन भक्ति भाव करते रहिए, तो आपके जीवन में भी शांति और अमन और सुख शांति मिलेगी। तो वो पूरी जिंदगी जिए तब तक, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? आप बोलोगे तो पानी के बिना तो कितना दिन जिंदा रह सकते हो? अच्छा, बिना खाए, मान लो आप खाना पीना छोड़ दो, तो आपका आप कितने महीने, 3 4 महीने तक जिंदा रह सकते हो, फिर तो आप मर जाओगे। लेकिन वो करीब 80 साल तक उन्होंने पानी नहीं पिया और भोजन भी नहीं किया था। तो ऐसे चमत्कारिक लोग लाइव हमने तो, ये हमारे पड़ोस के गांव थे, हम जब भी अंबाजी जाते थे तो गब्बर में उनकी आश्रम थी, उसकी गुफा जहाँ उन्होंने वो तप करते थे, वहां भी 2 3 बार हम जाके खुद उनको मिल के आए हैं, उनके दर्शन करके आए हैं लाइव। और उसके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर तो साल के एक डॉक्टर थे, अहमदाबाद की साल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे, उन्होंने उनके ऊपर 3 महीना कंटिन्यूअस प्रयोग करके वो प्रूव किया था कि ये माता जी को, ये थे पुरुष, एक्चुअली वो जन्म से पुरुष थे, लेकिन जब जब माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया तब से उन्होंने अंबाजी माता की जो लाल रंग की साड़ी होती है, वो वस्त्र उन्होंने माता जी जैसे ही, वो अपने कान में कुंडल लगाते थे, नाक में चुनी भी लगाते थे, हाथ में बैंगन भी लगा लेते थे, बंगड़िया लगाते थे, चांद यहाँ कपार पे तिलक चंदन भी कर लेते थे। तो पूरा वेश वो स्त्री की तरह ही जिए पूरी जिंदगी। तो ये डॉक्टर ने ये उनके ऊपर प्रयोग करके वो प्रूव कर लिया था कि भी नहीं, ये बातें सही है। तो आप इस सब बातें को ध्यान में रख के अपने शरीर को तो ठीक रखे, लेकिन दूसरे लोगों के जीवन में कैसे सुख समृद्धि और आनंद आए उसका भी ध्यान रखे। आपकी जिम्मेदारी आपके खुद की, अपनी अकेली शरीर की नहीं है, आपके फैमिली वालों के लिए भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सोसाइटी वालों के लिए भी आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, आपके शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए और अपनी दुनिया के लिए भी हमारी जिम्मेदारी रहती है। हमको इसी तरह जिंदा रहना है, इसी तरह जीना है, ऐसे कर्म करना है जैसे लोगों को उनके जीवन में सुख शांति मिले। सच्ची बातें बताते रहना है, और हमारा काम है लोक सेवा, अपना जीवन तो चलाना ही है, पैसे चाहिए, आप नौकरी धंधा कीजिए, कोई बात नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन नीतिमत्ता के साथ कीजिए। हाँ, जो भी काम धंधा करो नीतिमत्ता के साथ कीजिए, और गलत काम करोगे तो ऊपर वाली शक्ति आपको उसका दंड जरूर देगी। हाँ, आपने गलत काम किया होगा, लोगों को लूट लूट के पैसे इकट्ठा किए होगे, तो आप जब मर जाओगे ना तो वही मिलकत को आप सिक्योरिटी के तौर पे आपको वहां पहरेदारी करने के लिए दूसरा दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसा मान ही लो कि गलत किया है तो उसकी सजा भुगतनी ही है, और गलत खाना खाया है
तो बीमारी के रूप में भी उसकी सजा भुगतनी है आपको। तो जितने भी कर्म करो आप, चाहे खान पान के कर्म हो, चाहे व्यवहार के हो, चाहे बिजनेस के हो, चाहे नौकरी धंधा के हो, सब में नीतिमत्ता रखिए। किसी व्यक्ति को गलत चीज मत दीजिए। हाँ, हमारे एनडीएस में कई लोग ऐसे भी है कि पेशेंट को सीधी लिस्ट ही बता देते हैं, भी इतना लिस्ट जो दिया है उतना सामान ले ले पहले, फिर तुमको एनडीएस कैसे करना है मैं बताऊंगा। तो जो जरूरत नहीं है ऐसी चीजें भी उन लोगों को दे देते हैं, पैसे खींच लेते हैं। तो ये ऐसा काम मत कीजिए। कई लोग हमको कई लोगों के बारे में बताने के लिए आते हैं हमारे यहाँ कि भी हम के उन तो उनके पास गए थे तो उन्होंने ऐसा ऐसा मेरे पास से 2-3 हजार 5 हजार का सामान खरीदवा लिया और फिर मुझे बताया मुझे क्या क्या करना है। हमारे यहाँ जो कोई भी पेशेंट आता है तो हम उनको पहले यही बताते हैं कि चबाने की आदत चालू कर ले, अपने घर पे ही मार्केट में मिलने वाली चीजें लाके ही खा, तुमको कोई बाजार की कोई दवाई या किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुमको सपोर्ट चाहिए, थोड़ा जल्दी करना है तो हमारी ये चीजें का सपोर्ट के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपकी बीमारी ठीक करने के लिए ये चीजें कंपलसरी नहीं है, ये पहले बात बता देते हैं। फिर उसको जो अच्छा लगे वही चीज लेते हैं, नहीं लेनी है तो उनके लिए हम कोई प्रेशर नहीं डालते हैं, उनके कोई पैसे, हम कोई कंसल्टिंग का भी कोई चार्ज नहीं लेते हैं, तद्दन फ्री हम सेवाएं देते हैं। तो हर व्यक्ति को जीवन जरूरी जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? रहने के लिए मकान चाहिए, रोटी चाहिए और कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए? 3 चीज से ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। तो आप कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा करोगे तो ये शरीर भी यहीं रख के जाना है आपको। हाँ, शरीर साथ लेके जाने का किसी को परमिशन नहीं है। हाँ, चाहे बड़े नेता हो, चाहे बड़े धर्म गुरु हो, वो भी जब मर जाते हैं ना तो शरीर को यहाँ छोड़ के ही जाना पड़ता है। लेकिन जब जाने का टाइम होता है तब आपके कर्मों का हिसाब भगवान रखता है, फिर आपको कहाँ जाना है, यहाँ भूत बना के रखना है, यहाँ सूक्ष्म की दुनिया में कौन से पोस्ट पे आपको ले जाना है, मोक्ष पे ले जाना है, भगवान के वहां ले जाना है, या बीच में लटकाना है, या यहाँ भूत बना के रखना है, वो सारा हिसाब तो वो ऊपर वाला ही करेगा। वो आपको तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि आपको क्या करना है। आपको खुद को मोक्ष लेना है तो वो मोक्ष लेने का परमिशन आपको भगवान की ओर से ही मिलेगा, आप खुद नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आपको इसके लिए कर्म ही अच्छे करने पड़ेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आप जहां भी रहते हो, आप जाओ, जो भी आपके पास नॉलेज है, मान लो आप अच्छा योग टीचर हो तो आपको जो अच्छी और सही बात पता है वही बताइए, जो जिसके बारे में आपको पता नहीं है उसके बारे में आप उसको बोलिए बताइए, लेकिन उसको बोलो कि भी मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं लेकिन ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो स्पष्टता कर करके उनके साथ बातें करती करिए और लोगों को बोलिए कि खुद का जीवन खुद संभालने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखे, सारी चीजें सीखने की आदत बनाए, और खास करके जो मेडिटेशन है, हाँ, मैं चबा चबा के खाने की जो आदत है ना उसको ही मेडिटेशन कहता हूँ। ध्यान वही है, क्योंकि जो काम आप ध्यान पूर्वक करते हो वही मेडिटेशन है। तो आप साइकिल चलाते हो तो भी ध्यान रखते हो, आपके पैर पैडल मारते हैं, मारते ही रहते हैं, तभी आप साइकिल चला सकते हो, आपका शरीर बैलेंस करता ही रहता है तभी साइकिल कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी तरह हर कर्म आप ध्यान पूर्वक कीजिए, वही मेडिटेशन है, वही आपके मोक्ष का रास्ता खोल सकता है। तो हर कर्म में एक्सपर्ट हो जाइए और लोगों को उसके बारे में बताते रहिए, यही आप सब लोगों के पास मेरी अपेक्षा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप खुद ही होशियार बनिए, आप खुद ही अलर्ट बन जाइए, और हमारा जन्म जो भगवान ने दिया है उसको सार्थक करने के लिए हर रोज सुबह में कुछ नया सीखते रहिए। बस यही आप लोगों के पास से मुझे अपेक्षा है। आज प्रश्नोत्तरी का समय नहीं है, अभी कभी भी बंद हो जाएगा अपना जूम मीटिंग, नेक्स्ट मंगलवार के दिन जब बात करेंगे तो प्रश्नोत्तरी लेंगे, या तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना तो